हेलो फ्रेंड्स, एक पहल भाई शोभना मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज आप इस वीडियो में देखेंगे पोर्ट ब्लेयर से स्वराज द्वीप तक की बाइक क्रूज हमारी जर्नी। समुद्र की हमारी ये पहली इतनी लंबी यात्रा रही। इसके बाद हम एलिफेंटा बीच पर गए थे। वहाँ पर क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है, उसके लिए पूरा वीडियो देखते रहिए। अगर आप प्लान बना रहे हैं यहाँ आने का तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा, ज़रूर देखिए। और अगर अभी नहीं आ रहे हैं तो नो प्रॉब्लम, घर बैठे ही एंजॉय कीजिए। स्वराज द्वीप बहुत ही सुंदर जगह है। पहले ही एक लाइक दे दीजिए और शेयर आप जितना चाहे उतना कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे। जो मेरा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, जिससे अभी वीडियोस की जानकारी आपको बेल आइकन देता रहेगा, बताएगा कि शोभना का नया वीडियो आ गया है, देख लीजिए। आज हमें क्रूज से 8:30 बजे जाना था स्वराज द्वीप, तो मैंने एक मेरे लिए चाय बनाई, फटाफट तैयार हुए और हम निकल गए। वैसे नाश्ता हमने पैक करवा लिया था क्योंकि खाने का मन नहीं था सुबह सुबह, लेकिन यहाँ जाके थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगा क्योंकि प्री बुकिंग के बावजूद इतनी लंबी लाइन जिसमें हमें आधा घंटा खड़े रहना पड़ा। टिकट चेक होने के बाद एंट्री हो जाती है, उसके बाद आई कार्ड चेक होते हैं, सामान स्कैन होता है और वेटिंग रूम बने हुए हैं, तो वेट करने में ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन टाइम थोड़ा सा लगा मतलब। लेकिन टूरिस्ट सीजन जो होता है दिसंबर जनवरी में, तो इससे भी ज़्यादा लंबी लाइनें होती है। क्रूज के अंदर चाय, कॉफ़ी, स्नैक्स एंड वॉशरूम की फैसिलिटी थी और सीट्स वगैरह भी काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी कंफर्टेबल थी। क्रूज से हमारी इतनी लंबी पहली जर्नी थी। वैसे अंदर से जैसे लग्जरी बसेज एंड फ्लाइट्स होती है, क्रूज भी वैसा ही था। काला पानी मतलब काला पानी, आज सही में पूरे जो सी वाटर है वो काला दिखाई दे रहा है। आप देख रहे हैं ना वीडियो में लहरें कितनी ऊंची उठ रही है, इस वजह से शिप में बैलेंस बनाना, मूवमेंट करना बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन यहाँ भी हमने वॉल के सपोर्ट के साथ में खड़े रह के चाय पी, बैठ के भी पी सकते थे, सीट पे भी सर्व हो रही थी चाय, बट इट वॉज फन। और यहाँ मुझे फ्रेंड्स मिल गई जो चाय पी रही थी, यहाँ भी कुछ लोग मोबाइल में लगे थे, कुछ सो रहे थे, इट वॉज रियली सरप्राइजिंग फॉर मी। गोल्डन पेपर पे करते थे वो मुर्गी का सोने का अंडा वाली बात है। हमने प्राइवेट क्रूज की बुकिंग करवाई थी, 1300 रुपये पर पर्सन, हमारे एजेंट ने ही करवाई थी। गवर्नमेंट फेरी चलती है वो 400 रुपये पर पर्सन लेती है। प्राइवेट क्रूज में भी 3 कैटेगरी की सीट्स आपको मिलेगी, वो सीट पे डिपेंड करता है चार्जेज वगैरह। हमने मिडिल क्लास वाली ली थी और काफ़ी कम्फर्टेबल थी। सस्ती होने की वजह से गवर्नमेंट फेरी में बहुत भीड़ होती है, प्री बुकिंग तो होती है पर ऑनलाइन बुकिंग नहीं होती, आपको लाइन में लग के ही बुक करवाना पड़ेगा। एक लेडी को वोमिट आ रही थी, मतलब क्रूज में भी किसी किसी को प्रॉब्लम हो सकती है, तो अगर आपको भी ऐसा है तो मेडिसिन लेके आइए। वोमिट बैग तो मिल जाएगा पर दवाई नहीं मिलेगी। यहाँ दोस्तों 1.5 से 2 घंटे की ये जर्नी हमारी काफ़ी अच्छी रही। नवंबर फर्स्ट वीक में भी यहाँ काफ़ी बारिश हो रही थी, वैसे यहाँ गर्मी में बिल्कुल नहीं आना चाहिए, बारिश के सीजन में भी अवॉइड ही करना चाहिए। और दिसंबर जनवरी यहाँ का बेस्ट सीजन होता है, लेकिन पीक सीजन होने के कारण आपको हर जगह रश ज़्यादा। रेनी सीजन में तो सनसेट एंड सनराइज ऊपर वाले के भरोसे होता है और समुद्र का भी लुक खराब हो जाता है, पानी उतना नीला नहीं दिखाई देता। राजदीप में हमारा स्वागत है, थैंक यू। स्वराज द्वीप और हेवलॉक आइलैंड एक ही जगह का नाम है, एक नया नाम है पुराना नाम है, मुझे क्लियर हो गया, सोचा आप लोग को भी कंफ्यूजन है तो क्लियर हो जाएगा। वीगन लाइफ और इसके अलावा एक और होटल है जो प्योर वेज खाना दे मिलेगा आपको, बाकी सब जगह तो आइलैंड है हेवलॉक नाम का, जो गाने चल रहे हैं यहाँ हरियाणा पहुँच गए स्वराज द्वीप में। और ये देखिए कितना सुंदर होटल है, बिल्कुल बीच के पास में है, 5 मिनट ही लगी यहाँ तक पहुँचने में, बस यहाँ चेक इन कर होटल में चेक इन करके लंच करके अब हमें जाना था एलिफेंटा बीच पर, जहाँ होती है वाटर राइड्स, वाटर एक्टिविटीज आप कर सकते हैं, बहुत तरह की होती है। क्रूज से आने के बाद जहाँ उतरे थे ना वहीं पर ये बोट लगी रहती है और इनकी जो बुकिंग होती है वो सेम टाइम पे होती है, ऑनलाइन प्री बुकिंग नहीं होती है। सारी राइड्स जो एलिफेंटा बीच पे होती है वो पूरी जानकारी के साथ में, कितना क्या पैसा लगता है, कितना टाइम लगता है, कितना रिफंडेबल होता है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ आने पे पता चल जाएगी। एलिफेंटा बीच पे पूरे दिन का प्रोग्राम है, मतलब 3 घंटे तो वहाँ रुकने देते हैं, उसके अलावा आना जाना सब लगा के 5-6 घंटे तो लगा ही लीजिए अगर आपको वाटर एक्टिविटीज़ करनी है तो।
इस वीडियो से रिलेटेड, जगह से रिलेटेड जो भी जानकारी है मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आपको जो भी क्वेश्चन पूछना हो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आधे घंटे बाद ही हमारा नंबर आ गया जाने का और लगभग आधा ही घंटा लगा स्वराज द्वीप से एलिफेंटा बीच जाने का। बोट में बैठने से पहले से भैया ने गाइड किया, बोट में जो ले जाने वाले वो अलग होते हैं और वहाँ जाने के बाद एक और गाइड मिलेगा जो आपको वहाँ के बारे में बताएगा, राइड्स वगैरह के बारे में। द्वीप से एलिफेंटा तक जाने के लिए बोट का चार्ज है एक अडल्ट का 1,000 रुपया और 5 साल तक के बच्चे का 500 रुपया। एलिफेंटा बीच पे आने के बाद भी आप वाटर राइड बुक करा सकते हैं, टिकट ले सकते हैं, हमने पहले से करवा रखी है। यहाँ क्योंकि सारा खेल पानी का ही है तो मोबाइल के लिए वाटर प्रूफ कवर और वाटर प्रूफ सैंडल स्लीपर जो भी आप पहनते हैं वो हो, बाकी तो जैसा देश वैसा भेज होना चाहिए। वैसे हो सके जितना बॉडी को कवर करके रखना चाहिए और सनस्क्रीन लोशन जरूर लगाना चाहिए। मेरी एक फैमिली फ्रेंड है, वो लोग अप्रैल में आए थे और धूप की वजह से उनके शरीर पे छाले पड़ गए थे। जैसे हम यहाँ आए तो बारिश हो रही थी तो हमने अपना सामान क्लॉक रूम में जमा कर दिया और उसके बाद हमने पहली राइड की जेट्स की। मुश्किल से 10 मिनट बाद ही हमारा नंबर आ गया था और बच्चों ने पहले ही मुझे भेज दिया कि मम्मी पहले आप करो। अच्छी राइड थी, 5 से 7 मिनट की राइड है, लेकिन बारिश की वजह से आँखें नहीं खुल रही थी इस वजह से एंजॉय नहीं कर पाए, पर वैसे काफ़ी अच्छी थी। इसके बाद हमने की स्नॉर्कलिंग राइड जो बोट के साथ में कॉम्प्लीमेंट्री होती है, सबके लिए फ्री होती है, वो तो पक्का ही करनी चाहिए, इसलिए नहीं कि फ्री है लेकिन वो टेंशन फ्री है, सेफ है और किनारे से थोड़ा ही अंदर गाइड लेके जाते हैं, वहीं से रंग बिरंगी मछलियाँ एंड कोरल वगैरह दिखने को मिल जाते हैं। बारिश की वजह से हमने मोबाइल भी क्लॉक रूम में रख दिए थे, इस वजह से उस समय के हमारे फोटो एंड वीडियो बहुत कम है और स्नॉर्कलिंग का तो एक भी नहीं है। सी बीच पे हमने ऐसा पेड़ देखा जिसमें एक ही डाली में 2 कलर के फूल थे, इसलिए इसका नाम था एक डाली 2 फूल। एलिफेंटा बीच पर आपको खाने पीने को काफ़ी कुछ मिल जाएगा, शॉवर रूम भी है, चेंजिंग रूम भी है, वॉशरूम भी है, क्लॉक रूम भी है, लेकिन क्लॉक रूम का और शॉवर का आपको पे करना होगा। यहाँ होने वाली सभी राइड्स के चार्जेज अलग अलग होते हैं। एक राइड की जिसका नाम था जेट्स की, जिसकी हमारी पहले से बुकिंग थी, जिसका चार्ज था 500 रुपीज पर पर्सन। छोटी मेरे बेटे ने इस राइड को स्कैम इसलिए कहा क्योंकि जो बंदा पीछे बैठता है उसी के हाथ में सब कंट्रोल रहता है। वैसे मेरे लिए तो ये अच्छा था, सेफ था, टेंशन फ्री था। ये राइड मुश्किल से 5 मिनट की होती है पर काफ़ी एंजॉयबल होती है। यहाँ फोटोग्राफर भी होते हैं जो 250 रुपीज लेते हैं। यहाँ मैं मेरी लोकल लैंग्वेज में बोलूँ तो यहाँ सबके अड्डे बने हुए हैं राइड्स के लिए, मेरा मतलब है कि हर राइड के लिए एक एक जगह पे पॉइंट बने हुए हैं, काफ़ी अच्छा सिस्टम है। दोस्तों एलिफेंटा बीच पे हमने कम से कम 4 घंटे स्पेंड किए जो काफ़ी अच्छा टाइम था। वैसे यहाँ 3 बजे के बाद तो एंट्री बंद हो जाती है क्योंकि 5 बजे तो अंधेरा होने लग जाता है और पानी देख के आपको भी लग रहा होगा कितना डरावना है, हमको भी लाइफ ऑफ पाई वाली मूवी याद आ रही थी और स्केयरिंग लग रहा था क्योंकि बारिश भी बहुत ज़ोरदार हो रही थी और ये जो नाव वाले बोट वाले भैया थे वो लोग भी कर रहे थे कि और मौसम ख़राब हो इससे पहले अपने स्टेशन पर पहुँच जाना चाहिए। जैसे ही बारिश कम हो रही थी मैं तुरंत फ़ोन निकाल के फ़ोटो एंड वीडियो बना रही थी जिससे आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं और दिखा सकूं कि जगह कितनी अच्छी है। स्वराज द्वीप पर ही जहां से हम बोट में चले थे वहीं पे एक छोटा सा मार्केट है, वहीं से आप कवर ले सकते हैं, मोबाइल की सेफ्टी के लिए वाटर प्रूफ कवर ज़रूरी है। मेरी बेटी के आईफोन में पानी चला गया था तो प्रॉब्लम हो गई थी, मैं तो संभाल के यूज़ कर रही थी लेकिन ऊपर से बारिश हो रही थी और नीचे से जो बोट चल रही उसके साइड से भी पानी बहुत उछल रहा था तो बचना काफ़ी मुश्किल था। वैसे दूर तक फैला हुआ काला पानी काले बादलों की वजह से ऐसा लुक हो गया, नहीं तो सनलाइट होती तो नीला नीला ही दिखाई देता क्योंकि ये बहुत साफ पानी है। इस जगह के बारे में, वीडियो के बारे में जो भी क्वेश्चन हो आप बिंदास पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, क्योंकि इस जगह पे आना तो बहुत लोग चाहते हैं लेकिन आना इतना आसान भी नहीं होता, बट प्री बुकिंग वगैरह करवाएंगे और जानकारी के साथ आएंगे तो सफ़र अच्छा रहेगा। बीच पे कुछ लोग डेली आते जाते हैं जो यहाँ काम करते हैं और ये तो खतरों के खिलाड़ी लग रहे थे। एलिफेंटा बीच में मुझे चाय नहीं मिली थी तो होटल में आते ही शावर लेके हमने चाय पी और फुल मून नाइट थी जो देख के काफ़ी अच्छी लग रही थी। फिर हम चले गए डिनर के लिए क्योंकि मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ तो मेरे लिए तो खाना बेस्ट था, बहुत ही अच्छा टेस्ट था, बिल्कुल नॉर्थ इंडिया में भी हमने ऐसा ही खाना खाया है, खाते हैं और यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई खाने को लेके।
तो फ्रेंड्स ये था एलिफेंटा बीच, जहाँ केवल वाटर एक्टिविटीज ही होती है, इसी के लिए टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। यहाँ भी लगभग एक दिन का ही प्रोग्राम लगा लीजिए, क्योंकि 6 से 7 घंटे लग ही जाते हैं आने जाने में और बाकी सब एक्टिविटीज वगैरह करने में। और यहाँ हमारा ये सेकेंड डे था, फर्स्ट डे हम गए थे सेलुलर जेल, उसके लिए आप मेरा पिछला वाला वीडियो जरूर देखिए। अगर आप भी अंडमान निकोबार आने का प्लान बना रहे हैं तो मेरे सारे वीडियोस देखिए, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी यहाँ की प्लानिंग करने में। मंजिल का भी पता नहीं, लेकिन ये सफ़र बहुत अच्छा रहा। नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे स्कूबा डाइविंग, जो बहुत ही थ्रिलिंग एंड एडवेंचरस था। तो कीप वॉचिंग, सी यू सून। व्यूअर एंड एक सब्सक्राइबर बहुत ही कीमती है, बहुत ही वैल्यूएबल है। मैं कोशिश करूँगी और अच्छे वीडियोज आपके लिए बनाने के लिए। सो कीप वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।